सब कैसे हैं? आई होप आप सब मेरी तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज आप मेरा बैकग्राउंड पीछे का देख रहे होंगे, डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो हाँ ये किचन ही है। तो आज का वीडियो भी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका पार्ट सेकंड भी बनाऊंगी, आपको अपने पूरे किचन का टूर कराऊंगी, तो उसी पे ही है ये वीडियो। तो मैंने सोचा जब आज किचन पे ही वीडियो होने वाला है तो कहीं और बैठ के क्यों शूट करना, इंट्रो देना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो करते आए हैं, स्टार्टिंग से फॉलो करते आएंगे होंगे, तो आपको ये बात पता होगी कि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ। तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग आके जाते हैं, और जब क्वार्टर अपने नहीं होते हैं ना तो उतनी कोई केयर भी नहीं करता है, जहाँ तक मुझे पता है उतनी अच्छे से कोई नहीं केयर करता है। तो अक्सर ये टूटे फूटे ही मुझे मिलते आए हैं। अभी तक तो मुझे काफी इसमें मेंटेनेंस कराना पड़ता है, लेकिन जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, अभी मुझे लगभग 7 से 8 मंथ हुए हैं यहाँ शिफ्ट हुए, तो उसी टाइप पे कोविड लगा हुआ था, तो काम काफी स्लो था, ना तो पेंटिंग हुआ है ना ही कुछ और हुआ है, तो ये सब चीजें हम नहीं करा पाए हैं। यहाँ तक कि किचन की टाइल्स भी टूटी हुई थी, और एक टूटी हुई थी और बाकी जब हम आए तो वो भी पूरी की पूरी वो निकल के गिर गई। तो काफी दिनों से कंप्लेन चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, और फिर से जब लॉकडाउन लग गया तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। दिखा देती हूँ कि ये चीज पूरी टूटी हुई थी, तो काफी गंदा लगता था। मैंने बहुत कंप्लेन किया, बट वो नहीं पूरी करने के लिए आए, इसको सीख करने के लिए नहीं आए, तो फिर मैंने ही इसको फाइनली अपना टच दे दिया। ठीक ठाक अब ठीक ठाक लगता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये होने के बाद ये कैसे लगने लगा। और करीब ये चीज मैंने इसमें करीब 1 महीने हो गए मैंने ये चीज की इसमें, और उसके बाद ये कैसा लग रहा है अभी आप मेरे वीडियो में देखेंगे आगे। और दूसरी बात, ये किचन नॉन मॉड्यूलर होते हैं, मॉड्यूलर नहीं होते हैं। तो मॉड्यूलर किचन की मुझे खासियत जो दो लगती है, पहला है कि जो ये चिपचिपा हो जाता है ना किचन पे, ऐसे नहीं दिखाई देता आपको, लेकिन जब आप डिब्बों वगैरह पे चिकनाई देखेंगे तो समझ में आता है कि कितना किचन में ऑयल उड़ता है और वो डिब्बों पे जाके बैठता है। हालांकि एग्जॉस्ट फैन है, चलाती भी हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे ख्याल से चिमनी ज्यादा काम करती होगी, क्योंकि चिमनी का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं है, एग्जॉस्ट का ही है, तो एग्जॉस्ट उतना मुझे नहीं लगता वर्क करता है। हालांकि जब पूड़ी वगैरह तलो तो वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। मॉड्यूलर किचन की एक तो ये खासियत होगी कि इसमें कबर्ड होते हैं, ड्रॉअर होते हैं, तो डिब्बे हो गए, बर्तन हो गए, यहाँ तक कि क्रॉकरी का सामान भी अगर आपने रखा हुआ है तो वो अंदर सेफ रहता है, कभी ऑयल नहीं होता है। दूसरा, कुछ किचन में ऐसी चीजें भी होती हैं, एटलीस्ट मेरे किचन में तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब दिखती है तो अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि सूप पीने वाला नहीं, वो जो सूपा हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे नहीं चावल वगैरह साफ करते हैं, गेहूं वगैरह साफ करते हैं, तो वो या तो मैं उसको डेकोरेट करके टांगूं, फिर वो डेकोरेट के लायक नहीं है, वो ठीक ठाक कंडीशन में है, बस मेरा काम चल जाता है। काम की बहुत चीज है, लेकिन वो उसको मुझे छुपाना ही पड़ता है। और ऐसे ही बोरी वगैरह जो होती है ना, जिसपे हम सुखाने के लिए चावल गेहूं वगैरह सुखाते हैं, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मुझे दिखाना नहीं अच्छा लगता। कुछ खाली डिब्बे हो गए या और भी ऐसी चीजें जो देखने में नहीं अच्छी लगती, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे काम जरूर आती है। तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि जो मॉड्यूलर किचन होते हैं उसमें कबर्ड में कुछ भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, कबर्ड बंद, क्लीन किचन लगता है, बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मॉड्यूलर किचन मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिलहाल जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में मैं खुश भी रह लेती हूँ। तो मैंने कुछ टच दिया है ये मॉड्यूलर का, ये देखिए ये बॉक्सेस लगाए हैं मैंने, तो इनको कैसे लगाया है ये, इसका मैंने शूट नहीं किया है, ये मैंने काफी टाइम पहले ही लगा लिए थे तो मैं शूट नहीं कर पाया। और ये मेरे किचन को एक तरह नीट लुक देती है। मेरे पास बस इतने कार्डबोर्ड थे तो मैंने बस इतने ही बना पाई, और होते आई होप मेरे पास और होते, बहुत बकबक हो गई 5 से 6 मिनट का, तो यही मेरा इंट्रो ही हो गया। तो लेट ना करती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने किचन टूर का। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगी। तो ये एरिया में मेरा किचन है, इधर वॉशिंग मशीन के पास और लॉन्ड्री बैग के सामने इसका गेट है। गेट को मैंने एकदम सिंपल रखा है, कोई डेकोरेशन नहीं किया है। ये मेरे पूरे ही किचन का एक बार व्यू देख लीजिए। तो स्टार्ट मैं इस साइड से करती हूँ। इधर मैंने एक क्रॉकरी का स्टैंड लगवा रखा है, ये मैंने बनवाया था लोकल मार्केट से 1500 का। फिलहाल तो ये इसमें मैंने चावल रख रखा है, घर से ही चावल मैं लेके ही आई थी, तो वो चावल ही इस ब्लू कलर की टंकी में रहता है। और
उसके बाद ये नीचे जो टंकियाँ दिख रही हैं आपको, वो सारी टंकियाँ लगभग चावल से ही भरी हुई हैं। बस ये है कंटेनर, ये आटे का है, और इसको मैंने जिस जिस पे सिलेंडर रखते हैं ना, वो व्हील पे रख रखा है, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर बहुत नीचा है, मतलब स्लैब बहुत नीची है, तो स्टैंड पे रखने के बाद सिलेंडर नीचे नहीं आ पाता है ज़्यादा, और मुझे इतना कुछ खास खींचना बिचना नहीं पड़ता है, तो मैंने इसको इस आटे के ऊपर रख दिया है ना, तो खींच के निकाल लो आटा, उसके बाद नीचे कर दो, और बाकी सब में तो चावल ही है। और एक ये साइड में जो दिख रहा है एक और ऐसा ही डिब्बा, तो उसमें मैंने धनिया, सूखी धनिया भी गांव से लेके आए थे वो है। और ये ऊपर नीचे नीचे जो साइड दो डिब्बे दिख रहे हैं, एक में बेसन है, आटे में बेसन मिला के रोटी बनाती हूँ, और ये कॉर्नफ्लेक्स है, सुबह नाश्ते में हस्बैंड का है तो इसलिए पास में रख रखा है कि कहीं और दूर ना जाना पड़े। और ये क्रॉकरी स्टैंड है जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो ये मैंने 1500 में लोकल मार्केट से बनवाया था, तो इसकी सबसे नीचे वाली शेल्फ पे मैंने ट्रे लगा रखी हैं, ये डेली यूज़ वाली लगभग ट्रे हैं। और ये एक छोटा सा DIY है, ये जो कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बे वगैरह आते हैं ना, उसी को मैंने हाफ काट के उसके ऊपर पेपर रैप करके इसमें ये बचे हुए पाउच रख देती हूँ ना, तो याद रहता है कि हाँ अभी बचा हुआ है, फ्राइज़ वगैरह का जो आते हैं वो, तो याद रहता है कि बचा हुआ है अभी। और ये इधर कप हैं जो डेली यूज़ नहीं आते हैं, डेली यूज़ वाले हम दो ही लोग हैं, तो डेली यूज़ वाले मैं अलग ही रखती हूँ यहाँ पर, ये कभी कोई आ गया या वो गंदे हुए तो इसमें से ले लेते हैं, बाकी ये नॉर्मल से हैं। सेट ख़राब हो गया है टी का, तो उसमें सिर्फ 3 कप बचे हुए, तो वो भी डेली के लिए निकाल लिया है। और ये ऊपर वो पकौड़ी वगैरह खाने के लिए है, मैगी वगैरह खाने के लिए है, और छोटी छोटी कटोरियाँ, कोई आ गया तो नमकीन वगैरह देने के लिए। बस उतना ही मैंने क्रॉकरी निकाल रखा है जितना यूज़ है, बाकी सब मैंने दीवार में डाल रखा है, क्योंकि यहाँ कोई आ तो रहा नहीं है कोविड में, तो मैंने नहीं निकाला है, और हमको पता है अभी 1 साल बाद हमको यहाँ से भी जाना है, तो ज़्यादा नहीं फैलाया है। और सबसे ऊपर वाले शेल्फ में माइक्रोवेव का है, माइक्रोवेव सेफ वाले बाउल हैं, और ये DIY जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, और ये जो रोल दिख रहा है ना, वो मैंने फ्रिज में बिछाने के लिए मंगाया है, तो अभी जब मैं बिछाऊंगी तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। बाकी ये जूसर है जो आजकल काम नहीं आ रहा है, क्योंकि संतरे और मौसमी इस समय भी नहीं आ रहे हैं। और ये रोल मैंने भी, ये मैंने बनाया ही था, ये भी मैंने आपसे DIY शेयर किया है, और इसमें मैंने ये एयर टाइट क्लिप रख रखी हैं, और 2-3 मैच बॉक्स रख रखे हैं कि ईज़िली मिल जाए, और इसके अंदर लिज्जत पापड़ है, खाते खाने के समय ओवन के पास ही रख रखा है, जिसे सेक के मैं खाने के साथ दे सकूँ। तो ये मेरा वर्टिकल स्पेस मैंने यूज़ कर लिया है एक शेल्फ लगा के, और ये नॉर्मल जैसे आते हैं वैसा ही था, बस मैंने इसको वाइट कलर से कलर कर लिया, तो थोड़ा सा कलरफुल हो गया, बोर हो गई थी मैं उस कलर को देख देख के। और इसमें मेरे चार्जर हैं, क्योंकि मेरा किचन में ही ज़्यादातर टाइम बीतता ही है, तो मेरा यहीं पर मैंने अपना रख लिया चार्जर और ब्लूटूथ का स्पीकर वगैरह। और ये नीचे दो मैंने लगा रखे हैं, इसको भी मैंने येलो कलर से पेंट कर लिया है, एक में जूसर के सामान, कैंची, सीज़र, छोटी ग्लास और छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो मुझे पता है इसी में रहती है, तो इसी में मैं ढूंढ लेती हूँ लक्ष्मण रेखा टाइप इसी में। और इसमें सारी मैंने किचन टॉवल, नैपकिन वगैरह रख रखी हैं ये सारी, तो ये दोनों यहीं पर रहते हैं। और इसके ऊपर कैप इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब यूज़ ना हो तो इसके ऊपर धूल ना पड़े, देखिए कैप के ऊपर कितनी धूल है वैसे तो कपड़े के ऊपर ना पड़े, इसलिए मैंने इसको कैप वाला बना रखा है। और ये स्टैंड है, माइक्रोवेव के ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम जाते हैं वहाँ हर चीज़ अलग ही हो जाती है, तो चीज़ें लेने का बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अब समझ में नहीं आता। और ये कैटल है जो कि हमेशा ही यूज़ होती है, इसलिए जहाँ स्विच है उसी के पास लगा रखा है हमने। और ये है शुगर और चाय की पत्ती, हस्बैंड को दिखाई दे इसलिए मैंने लगा रखा है कि पता चले चीनी किसमें है, और इसमें नमक और हल्दी है, उनको ढक्कन की ज़रूरत नहीं होती ना, उसमें चीटी वेटी पड़ती नहीं है, तो ऐसे नॉर्मली एक बना रखा है। और ये इसमें ब्लैक पेपर था, और इसमें शाही जीरा था, और जो अभी मैंने उठाया है ना, ये पता है हींग का ही डिब्बा था, बड़ी वाली डिब्बी थी, खाली हो गई, तो इसमें स्प्रिंकल करने के लिए होल्स हैं, तो मैंने इसमें जीरा पाउडर पीस के रख लिया है, तो इसको सलाद वगैरह पे, रायते वगैरह में स्प्रिंकल करने में अच्छा रहता है। और ये कलर की बॉटल रखी है क्योंकि यहीं पर मैंने किया था, तो यहीं उठा के रख दिया। बाकी ये मूँगफली के दाने पोहे वगैरह में यूज़ करने के लिए, धनिया पाउडर पीस के, एक स्पून लगा दिया है, किसी में ना रहे तो स्पून यहाँ से निकाल के डाल लो। और ये पीछे चाट मसाला हो गया, ये काला काला नमक हो गया, इसमें ये कोको पाउडर का था, तो उसमें मैंने काला नमक डाल दिया, स्प्रिंकल करने के काम आता है ये। और ये बाकी पिज्जा के हैं,
ऑर्गेनो और वो, इसको भी मैंने DIY के अंदर रख रखा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। पहले मैंने इसको कहीं और रख रखा था, अभी हाल में ही यहाँ शिफ्ट किया है। और एक इसमें है छोटी इलायची वाला पाउडर खीर वगैरह में डालने के लिए, और इसमें है सौंफ का पाउडर, और बाकी वो उधर है तो वो पनीर मसाला, पनीर ज़्यादा बनता है तो वो मैंने बाहर ही रख रखा है। बाकी मसाले मैंने फ्रिज में रख रखे हैं, इसको मैंने बाहर ही रख रखा है। और ऊपर वाली शेल्फ में वही जो शेजवान चटनी वाले मैंने आपसे बोला था ना कि मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर कर दूंगी ढक्कन पे, तो देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा ना कि ये किसी शेजवान चटनी या किसी और चीज़ की बॉटल है, ऐसा लग रहा है कि जो सेट है, 6 का सेट है मेरे पास। तो ये देखिए अभी एक बॉटल रह गई है कलर करने को, ये रिसेंट में ही खाली हुई है, तो देखिए सेम टू सेम है, बस देखिए इस पर मैंने गोल्डन कलर कर दिया, एकदम नहीं पता चल रहा है और नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है। चाहे तो आप भी जो बॉटल्स आती है ना, इनको ख़राब मत करिए, इनको अच्छे से साफ करके कलर कर दीजिए। और इसमें है घर का पिसा हुआ मसाला, और इसमें पोहा है जो डेली यूज़ में आता है। इस स्टैंड में मैंने वही सामान रखे हैं जो मुझे लगभग डेली यूज़ में यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ जब मैं खाना बनाऊँ तो मेरे हाथ की पहुँच में हो, इसीलिए बस वो चीज़ें। और वो जो दो डिब्बे ऊपर दिख रहे हैं उसमें एक में बेटी का पाउडर है और एक में बेटे का पाउडर है। और ये शेल्फ जो हमसे पहले रहते थे उन्होंने ही लगवाई थी, तो आई थिंक उन्होंने ओवन के लिए ही लगवाई थी, लेकिन मुझे इतना माइक्रोवेव का यूज़ नहीं होता तो मुझे यहाँ पर रखना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको इसके नीचे रखा है और ऊपर मैं ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ उसके ऊपर। माइक्रोवेव में मेरा ज़्यादा नहीं यूज़ होता, और माइक्रोवेव के ऊपर मैंने कैसरोल रख रखा है, फ्रूट की एक बास्केट रख रखी है जिसमें सीजनल फ्रूट रहते हैं, बाकी फ्रूट फ्रिज में रहते हैं। और ये चोखे वाला है जो मैं भूल गई थी, चोखा भूनने के लिए बैगन वगैरह को, तो वो भी मैंने दिखा दिया कि उसको ऐसी जगह टांगा जो दिखे ना। और इसी के साइड में मैंने एक इंडक्शन रख रखा है, और इंडक्शन का कनेक्शन यहीं पर है पास में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है। और इंडक्शन के ऊपर ये पॉलीथीन मैंने लगाई है, पॉलीथीन नहीं सॉरी टेप है, क्योंकि जल गया था और लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये बन नहीं सकता है, तो अभी तो फिलहाल ऐसे काम चलाऊंगी, लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इसका ये टेप निकाल के इसको बनवाना है मुझे। और दूध अभी गर्म है तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और यहाँ पर ये लाइटर टांगने के लिए है, ये भी पहले से ही लगा हुआ है, बड़ी अच्छी जगह चीज़ लगी मुझे, लाइटर हमेशा मुझे मिल जाता है, पहले हमेशा खोया रहता था। और ये पकड़न भी मैंने ऊपर टांग दिया है ये, और इसको क्या बोलते हैं, अप्पे मेकर भी यहीं पर मैंने टांग दिया है। और इधर ये चकला बेलन और चिमटा मैंने एक जगह रख रखा है, चीज़ें एक जगह रहने से ना ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये स्पैचुला जो मैंने डेकोरेट करके लगा रखे हैं, और ये मेरा 3 बर्नर का गैस चूल्हा है, और इसी के साइड में ये मैंने सारी की सारी कटलरी लगा रखी है जो मैंने आपसे DIY शेयर किया, मैंने इसको कलर किया है आपसे लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था। और जस्ट इसके नीचे मैंने ये इसमें बचा हुआ ऑयल रहता है जो पूड़ी वूड़ी सेकने के बाद वो रखा है, और उसके बाद आटा है ये पैथन जो होता है, और इसमें सिरका है, घर का सिरका जो होता है वो है, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ रखा है जिससे याद रहे उनको देना है। और ये शेल्फ में नीचे वाली शेल्फ टूट गई थी तो इसको ठीक है, टूटी हुई है तो मैंने उसको हटा दिया ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाती है, वरना ऊंचाई बहुत कम रहती है। और ये माइक्रोवेव का ही स्टैंड है जिसको मैं एज अ अभी स्टैंड ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये 2 पानी की बॉटलें, पानी की बॉटल ज़्यादा नहीं लगती हैं, ये 2 पानी की बॉटलें हैं, ये बेटी का सिपर है और बेटे का सिपर पता नहीं कहाँ है, और ये बाकी इमाम दस्ता है, घी का डिब्बा है, रिफाइंड ऑयल है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सिरका है, विनेगर, तो दूध वगैरह फाड़ने के लिए जब पनीर बनाना होता है तो यूज़ होता है, तो इसमें स्पेस था तो मैंने इसी में रख दिया है। बाकी ये 2 कप हैं जो डेली में यूज़ होते हैं इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, धुल के इसी में रख देती हूँ, यहीं से यूज़ हो जाते हैं। और 1 कप है, बाकी ये ऊपर मैंने स्टैंड लगा रखा है, इसको यहाँ पर बिल्कुल पास में इसलिए लगा रखा है कि दूर ना जाना पड़े, जब बर्तन डलिए से उठा के उसमें रखना होता है ना, थोड़ा सा दूर रहता है तो आलस आता है। और ये बीच में मैंने स्टैंड टांग रखा है जो मैंने बनाया था, उसी में ये सब ब्रश वगैरह लगा रखे हैं, तो ये मैंने अभी मीशो से कुछ दिन पहले मंगाए हैं और बहुत अच्छे हैं, इनसे भी जो कोने जहाँ पर दांत वाला ब्रश जो ख़राब हो जाता है वो भी नहीं पहुँच पाता है, साफ़ नहीं कर पाता है, वहाँ पर भी ये लोग पहुँच के साफ़ कर देते हैं, बहुत ही अच्छा है ये, चाहे तो आप ले सकते हैं। और ये अभी नैपकिन गीला है तो मैंने यहीं पर टांग दिया है कि सूख जाए, और यूज़ होता रहता है इसलिए यहाँ टांग दिया है, जब क्लीन करती हूँ तो इसको बाहर डाल देती हूँ।
और ये जो मैंने लगाया था, जो मैंने अभी आप बताया था आपको कि टूट गया था, तो मैंने इस पे ऐसे ही वॉल पुट्टी लगा दिया है, तो वर्क अच्छा कर रहा है और पानी से ये भीगने के बाद निकलता भी नहीं है। वॉल पुट्टी मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, जितनी थी उतनी मुझे पूरे वॉल पे लगानी थी, इधर भी लगानी थी और उस एरिया में भी लगानी थी, जितना था उतना मैंने लगा दिया और काम अच्छा कर रहा है। बाकी ये विंडो के पास ये मैंने हैंड वॉश रख रखा है, और कपड़े वगैरह धोने के लिए, किचन टॉवल वगैरह धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है, लिक्विड मैं ज़्यादा बॉटल वगैरह साफ़ करने के लिए ही यूज़ करती हूँ, ऐसे नहीं यूज़ करती, बाकी मैं विम बार ही यूज़ करती हूँ। और इसमें ये जो पोटली दिख रही है उसमें मैं थोड़े बहुत लोहे के गूंथने जो होते हैं और तवा साफ़ करने के लिए पत्थर वगैरह रखती हूँ। और ये पीताम्बरी का पैकेट है, ये स्टैंड छोटा सा था इसी एरिया में बहुत अच्छे से आ गया, पहले इसका मैं वॉश बेसिन के पास यूज़ करती थी लेकिन अब इसी एरिया में यूज़ करती हूँ। और ये शायद हार्ट ब्रोकन वाला प्लांट बोलते हैं, प्लांट का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्लांटर मैंने वही आपसे मैंने शेयर किए थे अपने कंटेनर वाले वीडियो में, तो वही वाला है, उसमें नीचे होल कर दिया मैंने, एज अ प्लांटर यूज़ कर रही हूँ। और एक मैं मनी प्लांट लगाया है जिसमें उसका DIY लास्ट वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया है। और ये पानी की बॉटल थी जिसमें मैंने ये वाला प्लांट लगा दिया, अच्छा लगता है ये, पानी में ग्रो हो जाता है। और ये बाकी स्नेक का प्लांट है, ये छोटा था इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है, और ये भी पीडियाश्योर के ही डिब्बे में लगा हुआ है, कोई प्लांटर ख़रीदा नहीं है। और ये गेट है, ये जो पीछे बैकयार्ड में जाता है हमारे, यहाँ से पीछे जाने का लिए रास्ता यहीं से, यहीं मैं कपड़े वपड़े डालती हूँ तो यहीं से जाती हूँ। बाकी ये किचन टॉवल डले हुए हैं जो धुल के, इसमें जो हाथ पोछने के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ वो भी यहीं डले हुए हैं, धूप है नहीं तो ऐसे ही सूख नहीं रहे हैं अच्छे से। और यहाँ ये बांधने के लिए जब भी यूज़ होता है, कुछ भी निकलता है, मैं यहीं पर गेट के हैंडल में लगा देती हूँ तो याद रहता है। बाकी ये इधर बहुत सारे डिब्बे हैं, एक्चुअली ये डिब्बे बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि जब आप होम टाउन में रहते हो ना तो घर से चीज़ें आ जाती हैं तो डिब्बे ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऊपर वाले जो 3 कंटेनर हैं मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि इसमें चीज़ें अगर रखोगे ना आप तो ख़राब नहीं होंगी, तो इसमें मैंने दाल वगैरह रख रखा है तो वो ख़राब नहीं होता है, और ऊपर रख रखा है क्योंकि जल्दी यूज़ नहीं होती है, जब रिफिल करना होता है तो केयर लगा के उतारती हूँ मैं। बाकी जो स्टील के डिब्बे दिख रहे हैं उनमें से 2 या 3 डिब्बे ही सिर्फ यूज़ हो रहे हैं, मतलब उनमें सामान है, बाकी डिब्बे खाली हैं। और बाकी ये गोल ये वाले डिब्बे दिख रहे हैं ना, इसमें किसी में सूखी मिर्च है, किसी में क्या कहते हैं गुड़ है, किसी में तेज़पत्ता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, अचार है इधर, ये सब चीज़ें जो जल्दी यूज़ नहीं आती हैं तो उसको मैं दूर भी रख के काम चला सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने शेल्फ में लगा दी हैं इधर, तो ये आप ऐसे ही देख लीजिए छोटी मोटी। ये वो बनाने के लिए है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिया था, अच्छा बन जाता है घर पे और सस्ता भी पड़ता है। और ये राजमा हैं, 2 टाइप के राजमा हैं, तो ये ओपन है इसलिए मैंने इस बॉक्स में रखा है, और इसमें भी एक है राजमा और छोला, लेकिन ये ओपन नहीं है, ये अभी यूज़ नहीं किए हैं मैंने। मखाने हो गए, ये नमकीन का है, पॉलिथीन में रखती हूँ ना तो ठीक रहता है। बाकी ये बेटे के बिस्किट वगैरह हैं, बेटी के भी उसी में ही हैं, दोनों खूब खाते हैं। बाकी इनमें भी छोटा छोटा कुछ ना कुछ सामान है। इसी डिब्बे की बात कर रही थी मैं ये, कि इसका ही मैंने प्लांटर बना दिया है। बाकी ये गाय का घी है, ये गाय के दूध का घी है, मैंने बनाया था, गाय का दूध आता था तो इसको अलग अलग रखा है, इसको पूजा वगैरह में यूज़ करने में अच्छा रहेगा। बाकी ये सेजवान पिज्जा सॉस वाले डिब्बे हैं, इनको मैंने कलर कर दिया है और इसमें भी मैंने सामान रख दिया है। और भी जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उनमें मैंने बीज वगैरह रखे हैं जो मेरे गार्डन में काम आते हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे डिब्बों में बीज वगैरह रखे हैं और छोटी मोटी चीज़ें, आमचूर पाउडर वगैरह हो गया, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें यहीं पर हैं। बाकी इधर एक स्विच दे रखा है, तो एग बॉयलर और ये चॉपर और ये बॉक्स है जिसमें बहुत सारे स्पून्स हैं जो पाउडर वगैरह के साथ मिलती हैं, जो मैंने सब इसी में इकट्ठी कर ली हैं, कभी ना कभी काम आती रहती हैं तो इसी में से निकाल लेती हूँ। और इसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने रख रखा है ये इस समय क्या कहते हैं भाप वगैरह लेने के लिए जो होता है वो, और अपना ये वंडर शेफ वाला मिक्सर ग्राइंडर जूसर भी है जो कम यूज़ होते हैं लेकिन यही रख रखे हैं, चॉपर भी है। और ये बॉक्स में मेरे ऐसी चीज़ें रहती हैं जो अर्थ से मुझे बचानी होती हैं तो वो खोल नहीं पाता है इसको, तो इसमें बची रहती हैं। और इसके पास ही मैंने डिब्बे रख रखे हैं, ट्रे वगैरह उसमें मैंने डिब्बे रखे हैं जो खाना वाना बच जाता है थोड़ा बहुत तो उसको रखने के लिए काम आता है, तो स्टील और प्लास्टिक दोनों हैं उसमें। और उसके पास ही मैंने ये मसालदानी रख रखी है
जिसमें सारे मसाले लगे हुए हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें महक चली जाती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे महक, मसालों की महक रहती है, तो मैंने बोला हाँ रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि महक नहीं जाती है, और देखने में भी अच्छा लगता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, फिर भी दिखाना तो है ही। और उसके जस्ट नीचे वाले शेल्फ पे मैंने एक ये बास्केट बना रखी है, इसमें मैंने ज़्यादातर क्लीनिंग का रख रखा है। तो इसमें एक तारपीन ऑयल है, ये रूम फ्रेशनर है, और कॉलिन है, और रेड हिट है, और हार्पिक है, और ये थोड़ा सा पानी भर के स्प्रे करने के लिए रखा है मैंने, एक ही साथ रखा है यहीं पर नीचे। और उसके ऊपर ये चिमटियाँ दिख रही हैं, ये ज़्यादा थोड़ी बहुत बाहर हैं, बाकी ज़्यादातर यहीं अंदर ही हैं, जब ज़रूरत होती है तभी ले जाती हूँ, वरना अंदर ही रहती हैं। और ये जो पीछे डिब्बा दिख रहा है आपको, ये बॉटल है दो, गर्म पानी जब भी करती हूँ तो इसी में रखती हूँ, कभी कभार यूज़ होती हैं, ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल ही पानी पीते हैं, जब सर्दी जुकाम होता है तभी यूज़ होती हैं। और ये फर्स्ट एड बॉक्स है, किचन में रखा है। और इसके नीचे ये डिस्पोजल वाली सारी प्लेट्स हैं, जब ट्रैवल में यूज़ होती हैं तो वो इसमें रख रखा है, और कभी कभार मेरे DIY में भी यूज़ होती हैं। और इसमें ये चुड़मुड़ा रख रखा है मैंने, ये बास्केट है, जब आजकल सब्जियां धुल के ही फ्रिज में रख रही हूँ तो तभी यूज़ होती है ये बास्केट, तो अभी खाली है, जब धुल के इसी में सुखाने के लिए रख देती हूँ सब्जियाँ। और ये नीचे एक टोकरी रख रखी है बास्केट, इसके अंदर सारा ये बाथरूम से रिलेटेड सामान है, टूथपेस्ट हो गया, ऑनलाइन मंगाते हैं तो ज़्यादा ही मंगाते हैं, ये एरियल हो गया, साबुन हो गया, रिफ़िल करने के लिए है ये कॉलिन, छोटी मोटी चीज़ें इसी में आ गई हैं। तो ये किचन में ही रखती हूँ, जिससे इजली मुझे जब भी कोई मांगता है तो दे देती हूँ, किचन में स्पेस काफ़ी है तो इसलिए यहाँ रखती हूँ। बाकी ये तीन बॉक्सेस डिब्बे मैंने आपसे शेयर किए थे, इनके रिव्यू बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुलते नहीं हैं जल्दी, अब मैंने सोचा खोल के दिखा दूँ कि इसमें क्या है, लेकिन वो खुल नहीं रहे थे जल्दी एक हाथ से, तो मैंने नहीं छोड़ दिया। और इसमें चना रख रखा है, और इसी के पास में मैंने ये वेजिटेबल बास्केट लगा रखी है, जिसमें मैंने लहसुन प्याज वगैरह, जो कि बेटी फैलाती ही रहती है, देखो फैले हुए हैं। और नीचे ये एक्स्ट्रा डिनर सेट है, और वंडर शेप का डिब्बा है, नीचे एक फ्रूट बास्केट और रखी है, जब सर्दियों में फ्रूट ज़्यादा आते हैं तो उसमें उसका यूज़ करती हूँ मैं। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ किचन का सामान है, जो जल्दी यूज़ नहीं होता, कभी कभार होता है। और उसके ऊपर ये एक पॉलीथिन है, जिसमें मैंने आटे वाली इकट्ठी कर रही हूँ, इनका भी कुछ बनाऊँगी इसलिए इनको इकट्ठा कर रही हूँ मैं। तो इसके बाद आते हैं काउंटर टॉप के नीचे, जहाँ पर ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है, और इस पर मैंने जो वॉल पे चिपकाने के लिए आता है ना, क्या बोलते हैं, वॉलपेपर आता है, उसी को मैंने लगा दिया है, तो क्लीन लुक लगता है और यूज़ भी होता है ये कार्डबोर्ड, ईजिली ना ये स्लाइड हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। और एक महीने हो गया मुझे इसको ऐसे यूज़ करते हुए, वर्क अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले वाले में मैंने, देखिए ईजिली पुल हो जाता है, इसमें मैंने जो डेली में यूज़ होते हैं कुकवेयर वही रखे हैं, इसमें कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं वो इसमें रखा है। और चूँकि वॉलपेपर कम था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाया है, और कहीं नहीं लगाया है, सिर्फ फ्रंट में लगाया है। और ये दूसरे वाले में मैंने रखे हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं, ट्रे हो गई, और एक और कुकर हो गया, और कढ़ाई हो गई लोहे की, जो बड़ी कढ़ाई जब कभी कभार ज़्यादा लोग होते हैं तभी यूज़ होती हैं वो, तो वो इसी में रख रखा है मैंने, और इजली बंद हो जाता है। 1 मंथ हो गया होगा मुझे ऐसे यूज़ करते हुए। और इसमें जितना भी ग्रॉसरी का सामान है एक्स्ट्रा है वो ला के रख लेते हैं, कोविड टाइम में बार बार मार्केट ना जाना पड़े, तो वो है इसमें। और ये मैंने एक छोटा सा पैकेट बना रखा, छोटे छोटे पैकेट इसी में डाल दिए हैं मैंने, जिससे वो मिल जाएं, वरना बड़े पैकेट के नीचे दब जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, तो वो इसी में मैंने रख दिया, जिससे बड़े पैकेट के नीचे दबे ना, मिले ना। तो इसमें मैंने ग्रॉसरी का सामान रख रखा है, और इसके पास वाले में जो एक और बॉक्स इसके पास, और मेरा लक देखिए, बॉक्सेस ये सारे बॉक्सेस जो जब ट्रांसफ़र करके आते हैं ना सामान, तो वही वाले हैं, तो बाकी तो ख़राब हो गए थे, ये 4-5 अच्छे बचे थे, तो उन्हीं का यूज़ किया है मैंने। और इसमें वही जो सामान की बात कर रही थी, जो देखने में नहीं अच्छा लगता लेकिन बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि ये सूपा जिसके बारे में बता रही थी मैं, वो है, ये डिब्बे हैं, खाली हैं, जब यूज़ आएंगे तो इनका यूज़ करूँगी, अभी मैंने धुल धुल के इसमें रख दिए हैं। और ये बोरी हो गई जिसके बारे में बता रही थी मैं, तो ये सब सामान जो इसमें दिखता भी नहीं है और अच्छा भी लगता है, तो वो सब इसमें मैंने रख रखा है।
तो इस साइड पे मैंने दो बॉक्सेस इधर भी लगाए हैं, ऊपर और नीचे थोड़ा सा तिरछा सा बना हुआ है इसलिए दो से ज़्यादा नहीं आ पाए। और इसमें मैंने सारे अपने डोंगे रख रखे हैं, जो वेजिटेबल बास्केट वगैरह वो सब हैं इसमें, ढुलने मुलने के समय काम आती हैं। उससे नीचे वाले ड्रॉर में मैंने अपने सारे DIY का सामान रख रखा है, ये सारा मेरे क्राफ्ट का है सामान। इसी में मेरा ट्राईपॉड भी रखा हुआ है और छोटी मोटी चीज़ें, ये इसमें रहता है ना, छुपा भी रहता है। और किचन में क्योंकि बच्चे बच्चे अगर सोते रहते हैं ना, तो किचन ही मेरा एक तरह से देखा जाए तो स्टूडियो बन जाता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं इसलिए बैठ के काम करती हूँ। तो ये और सिंक के नीचे ज़्यादा कुछ नहीं, वो जब बर्तन रख सजा देती हूँ मैं रेक में तो वो खाली हो जाता, तो उसको नीचे रख लेती हूँ। काउंटर टॉप जहाँ तक होता है मैं पूरा खाली करने की कोशिश करती हूँ कि वो खाली ही रहे। तो एक व्यू मेरे पूरे किचन का दिखा देती हूँ आपको। किचन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इसीलिए ना चीज़ें समझ में नहीं आती। छोटा किचन में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और बड़े किचन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगती है। स्पेस बहुत है, हम लोग यहीं बैठ के ज़मीन पे खाना खाते हैं। तो पूरा किचन का टो ये हो है, ऐसा दिखता है मेरा पूरा किचन। मैंने अपने हिसाब से इसको सबसे अच्छा बनाने की कोशिश की है। और बाकी आप बताइएगा कि आपको मेरा ये किचन कैसा लगा, मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, आपको वो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये मेरी बेटी खेल रही है यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।